हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में जानेंगे कि सर्चिंग क्या होता है और पाइथन में आप सिक्वेंशियल सर्च टेक्निक को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो. ओके, सो फर्स्ट वी हैव व्हाट इज सर्चिंग. सर्चिंग क्या है? सर्चिंग इज एन ऑपरेशन विच फाइंड्स द लोकेशन ऑफ अ गिवन एलिमेंट इन अ लिस्ट. तो सर्चिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप एक लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं उनमें से किसी एक एलिमेंट की लोकेशन को फाइंड आउट करते हो, राइट. और इसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक होती है, लाइक सिक्वेंशियल सर्च, बाइनरी सर्च एक्सेट्रा, राइट. सो हियर वी हैव द लीनियर सर्च. लीनियर सर्च को सिक्वेंशियल सर्च भी कहा जाता है. लीनियर सर्च इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड द सिंपलेस्ट सर्च मेथड. ये सबसे ज्यादा सिंपल सर्च मेथड है. ओके, बहुत ही बेसिक सर्च मेथड है. इन लीनियर सर्च एवरी एलिमेंट ऑफ अ गिवन लिस्ट इज कंपेयर्ड विद द आइटम टू बी सर्च्ड, यूजली रेफर्ड टू एज की. तो इसका क्या मतलब है? मान लो आपके पास एक लिस्ट है. यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 10, ओके, 20, राइट, देन 30 एंड देन 40. ऐसे बना दिया हमने 40. ओके, अब आपको इस लिस्ट में से 30 को फाइंड आउट करना है. 30 की लोकेशन आपको फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे जो 30 है, जिस एलिमेंट को मुझे फाइंड आउट करना है, जिस एलिमेंट की लोकेशन मुझे फाइंड आउट करनी है, उसको मैंने एक नेम दे दिया, डेट इज की, राइट. ये आप कोई नेम दे सकते हो या फिर ना भी दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. यहाँ पे मैंने इस आइटम को एक नेम दे दिया की. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, लिस्ट के जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनको वन बाय वन कंपेयर किया जाएगा की से. और की आपका क्या है? 30, राइट. तो यहाँ पे जो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू है, जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, उसको फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू दैट इज 10, इसको कंपेयर किया जाएगा आपके की से, दैट इज 30. फिर आपका जो वन इंडेक्स वैल्यू है, जिसपे आपकी इंडेक्स है, जिसपे आपकी वैल्यू है 20, उसको भी कंपेयर किया जाएगा की से, ठीक है. फिर आपका थर्ड इंडेक्स पे जाएगा, डेट इज 2. टू इंडेक्स पे आपकी जो वैल्यू है उसको भी कंपेयर किया जाएगा की से. अगर आपकी वैल्यू मिल जाती है तो आपकी सर्च कंप्लीट हो गई है. अगर आपकी वैल्यू नहीं मिलती है तो आपकी सर्च कंटिन्यू रहेगी टिल द एंड ऑफ द लिस्ट. ओके, सो ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज कंपेयर्ड वन बाय वन विद द की. तो यहाँ पे क्या किया जाता है, लीनियर सर्च में जिस एलिमेंट को आप ढूंढ रहे हो, उस एलिमेंट को लिस्ट के सारे एलिमेंट्स के साथ वन बाय वन मैच किया जाता है. पहले फर्स्ट के साथ, विद इन सेकंड के साथ, लाइक दिस टिल द एंड ऑफ द लिस्ट. ओके, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल एन एलिमेंट मैचिंग द की इज फाउंड. और ये प्रोसेस कब तक चलता है? जब तक कि वो एलिमेंट नहीं मिल जाता जो की से मैच करता है. एंड वी डिक्लेयर द सर्च इज सक्सेसफुल. अगर आपका एलिमेंट मिल जाता है तो आपकी सर्च क्या हो जाएगी? सक्सेसफुल. ओके, इफ नो एलिमेंट मैचेस द की, अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता जो की से मैच हो रहा है, उस आइटम से मैच हो रहा है जिसे आप ढूंढ रहे हो, एंड वी हैव ट्रेवर्स्ड द एंटायर लिस्ट, और आप पूरी एंटायर लिस्ट को ट्रेवर्स कर चुके हो, मतलब सारे एलिमेंट्स को आप चेक कर चुके हो, कंपेयर कर चुके हो, वी डिक्लेयर द सर्च अनसक्सेसफुल. इन इस केस में आप सर्च को अनसक्सेसफुल डिक्लेयर कर दोगे, डैट इज द की इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट. तो इसका क्या मीनिंग है? आप जो आइटम ढूंढ रहे हो वो लिस्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है. ओके, दिस आइटम बाय आइटम कंपैरिजन इज डन इन द ऑर्डर. तो ये आइटम बाय आइटम जो कंपैरिजन होता है, पहले फर्स्ट आइटम, देन सेकंड आइटम, देन थर्ड आइटम, ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर, मतलब सिक्वेंशियल वे में होता है, इन अ लीनियर वे. ओके, इन विच द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द लिस्ट, बिगनिंग एट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट एंड मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट, राइट. तो फर्स्ट एलिमेंट से सर्चिंग स्टार्ट होती है और कहाँ तक चलती है? लास्ट एलिमेंट तक. Thus it is also called sequential search or serial search. इस वजह से इसको sequential search भी कहा जाता है और serial search भी कहा जाता है, right? देखो अब यहाँ पे एक example दिया गया है आपको. आपको 22 को find out करना है, right? तो क्या होगा? 22 आपका key बन गया. ओके, की एलिमेंट है जिसको आपको फाइंड आउट करना है, जिसकी लोकेशन, फाइन. अब देखो, पहले आपको 22 को मैच किया जाएगा जीरो इंडेक्स की वैल्यू से, डेट इज 15, देन फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू, डेट इज 9, देन सेकेंड इंडेक्स 35, देन थर्ड इंडेक्स 10, फोर्थ इंडेक्स 1 एंड देन फिफ्थ इंडेक्स पर आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी. तो इस केस में आपकी जो सर्च है वो क्या हो गई है? सक्सेसफुल. ओके, तो यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, ओके, जिसकी हेल्प से हम पाइथन में लीनियर सर्च को इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट. तो यहाँ पे मैं हेडिंग कर देती हूँ सबसे पहले अपनी हेडिंग, लीनियर सर्च. लीनियर सर्च को आप सिक्वेंशियल सर्च भी बोलोगे. लीनियर सर्च टू फाइंड एन एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट ऑफ
आइटम्स या एलिमेंट्स जो भी लिखना चाहते हैं हम लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, यूजर से लिस्ट को इनपुट कराना है। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, लिस्ट नेम से ले लिया। इवेल फंक्शन का हम यूज करेंगे। ओके, तो जो भी एक्सप्रेशन इनपुट होगा वो लिस्ट में ये इवेल्युएट कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा, राइट। इनपुट फंक्शन में हम यहाँ पे लिख देते हैं एंटर लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स लिख देते हैं, ठीक है, एंटर लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। ओके फाइन, अब आपने लिस्ट को एंटर करा दिया। अब मैं यहाँ पे लूँगी एलिमेंट, अब मैं वो एलिमेंट यूजर्स इनपुट कराऊंगी जो हमें क्या करना है, सर्च करना है, ठीक है। एलिमेंट इंट, अब सिंगल एलिमेंट आपको इनपुट कराना है, राइट। तो यहाँ पे मैंने इंट फंक्शन लिया। इंट फंक्शन क्यों लिया, क्योंकि इनपुट फंक्शन यूजर से स्ट्रिंग फॉर्म में वैल्यू को एंटर कराता है। चाहे आप नंबर्स एंटर करो, चाहे फ्लोट एंटर करो, चाहे स्ट्रिंग एंटर करो, ठीक है, इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में वैल्यू को यूज लेता है, फाइन। तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कराने के लिए मैंने इसको एनक्लोज किया इंट फंक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर एलिमेंट विच इज टू बी सर्च्ड, ठीक है, जो एलिमेंट आपको सर्च करना है, फाइन। ओके, आपने पहले लिस्ट एंटर कराई, फिर आपने एलिमेंट को एंटर कराया, राइट। अब क्या करना है, हमें लिस्ट में से एलिमेंट को सर्च करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया जिसका नाम मैंने लिख लिया लीनियर सर्च, राइट। मैं फंक्शन को कॉल कर रही हूँ लीनियर सर्च, अभी मैंने फंक्शन बनाया नहीं है। मैंने लीनियर सर्च में क्या पास कर दिया, लिस्ट को, जो भी एलिमेंट्स आपने लिस्ट में डाले हैं, ओके, वो कंप्लीट लिस्ट, और वो एलिमेंट जो आपको सर्च करना है, ठीक है। तो मैंने लिस्ट को यहाँ पे लीनियर सर्च फंक्शन को कॉल किया। हम क्या करेंगे, लीनियर सर्च को क्रिएट करेंगे, राइट। फंक्शन को कॉल कर लिया, लेकिन फंक्शन कॉल कैसे होगा जब तक कि आप फंक्शन को क्रिएट नहीं करोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया डेफ लीनियर सर्च, आई थिंक इसका ओके एस बड़ा है, लीनियर सर्च, ओके। और हमारे पास क्या आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी और एलिमेंट आ जाएगा, राइट, एलिमेंट। जब आपने देखो यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया था तो आपने लिस्ट को पास किया था, ओके, एंड एलिमेंट को पास किया था। और यहाँ पे जब फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं, फंक्शन डेफिनेशन में आपके पास क्या आया है, यहाँ पे कॉल्ड फंक्शन में आपके पास ये वाली लिस्ट आ गई, ठीक है, और एलिमेंट जो आपने पास किया था वो आ गया, राइट, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हम यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं फाउंड। ये भी तो देखना है कि आपका जो आइटम आप सर्च कर रहे हो मिलता है या नहीं मिलता है। पहले हमने इसको इनिशियलाइज करते हैं जीरो से, कि फाउंड हमारा भी आइटम क्या है, नहीं मिला है, दैट इज़ ट्रू या फॉल्स भी आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया जीरो, राइट। तो ये अभी क्या है, फॉल्स है, राइट, ओके। अब मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मैं लूप चलाती हूँ फॉर आई इन रेंज। ये लूप कहाँ तक चलेगा, लेंथ ऑफ लिस्ट, राइट, ओके। अब देखो रेंज फंक्शन में क्या होता है, एंडिंग वैल्यू माइनस वन होता है, राइट। तो यहाँ पे आपने लेंथ ऑफ लिस्ट ली है, मान लो लेंथ ऑफ लिस्ट फाइव है, तो ये लूप जीरो से लेकर फोर तक चलेगा, फाइन, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपने लिया फोर आई इन रेंज दिस, फाइन। अब क्या करना है, अब यहाँ पे जो मेरा आई वेरिएबल है, ओके, वो लिस्ट की लेंथ है, ओके, उसको कवर करेगा, उसको एक्सेस करेगा। पहले फर्स्ट जो इंडेक्स वैल्यू है, जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको एक्सेस करेगा, देन सेकेंड इंडेक्स वैल्यू को एक्सेस करेगा, देन थर्ड इंडेक्स वैल्यू को एक्सेस करेगा, फाइन। तो इसको आप ऐसे समझोगे, मान लो लिस्ट में आपके, यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ, मान लो लिस्ट में आपके फाइव एलिमेंट्स है, तो ये लूप कहाँ से कहाँ चलेगा, ये लूप आपका चलेगा जीरो इंडेक्स से लेकर आपके फोर्थ इंडेक्स वैल्यू तक ये चलेगा, फाइन। तो ऐसे आपके फाइव एलिमेंट्स हो गए, ओके, फाइन। नाउ अब हमें क्या करना है, जब आपका जो आई वेरिएबल है ट्रेवर्स कर रहा है लिस्ट को, तो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे हम लिस्ट आइटम को चेक करेंगे, यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे, इफ लिस्ट आई
कंपैरिजन ऑपरेटर आपने यूज किया डबल इक्वल्स टू एलिमेंट. ओके, अब इसको समझो. आई पहले क्या करेगा, लिस्ट के जीरो इंडेक्स को एक्सेस करेगा. ओके, लिस्ट के जीरो इंडेक्स को एक्सेस करेगा. तो लिस्ट को यहाँ पे मैंने क्या किया, जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है मैंने यहाँ पे दिया इफ लिस्ट और इंडेक्स आई दिया ना. इंडेक्स पे अभी कितनी वैल्यू है, आई में अभी कौन सी वैल्यू, जीरो इंडेक्स की वैल्यू है, राइट. तो जीरो इंडेक्स की वैल्यू अगर एलिमेंट्स के इक्वल है, जो एलिमेंट आप ढूंढ रहे हो उसके इक्वल है, राइट. तो क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट हो जाए आपका एलिमेंट प्रेजेंट एट इंडेक्स. आपका एलिमेंट प्रेजेंट है कौन से इंडेक्स पे, प्रेजेंट है आई पर प्रेजेंट है. फाइन, ओके, समझ आया. देखो फिर से समझो, आपका यहाँ पे फोर लूप हमने यहाँ पे लिया है क्योंकि हमें क्या करना है, लिस्ट के एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना है वन बाय वन, राइट. तो ये आपका जो आई है, जो वेरिएबल आई है, वो पहले जीरो इंडेक्स पे जाएगा, उसकी वैल्यू को एक्सेस करेगा, राइट. फिर देन सेकेंड वैल्यू को एक्सेस करेगा, थर्ड वैल्यू को, ऐसे ही लूप चलेगा, राइट. अब हमने इसके अंदर एक और कंडीशन लगाई है, लिस्ट आई. लिस्ट आई मीन जो लिस्ट के आई इंडेक्स पे जो वैल्यू है अगर वो एलिमेंट के इक्वल है, जो एलिमेंट आप ढूंढ रहे हो, तो क्या हो जाए, आपके पास आ जाए, प्रिंट होके आ जाए एलिमेंट प्रेजेंट एट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स. अगर जीरो इंडेक्स पर है या वन पे है या टू पे है, जैसे जैसे लूप चलता जाएगा, राइट, आपके पास प्रिंट होके ऐसे आ जाए. और आप यहाँ पे अब क्या कर दोगे, फाउंड वेरिएबल को कर दोगे वन, क्योंकि आपको आपकी वैल्यू मिल चुकी है जो आप ढूंढ रहे हो, राइट. उसके बाद आपका हो जाए फंक्शन जो चल रहा है वो ब्रेक, राइट. अगर आपका आइटम लिस्ट में नहीं है तो उस केस में आप क्या करोगे, उसके लिए हमें कंडीशन दे देते हैं, इफ फाउंड इक्वल्स टू जीरो, ठीक है. अगर आपका फाउंड की वैल्यू क्या है, जीरो है, मतलब आपका आइटम नहीं मिला है, तो क्या प्रिंट हो जाए, आपका प्रिंट हो जाए, प्रिंट एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट. ओके ओके ओके, तो इसको सेव कर लेंगे आप लोग, कंट्रोल एस, मैंने इसको सेव कर लिया है. एंड देन रन, इसको रन करेंगे, रन करेंगे, एंटर द लिस्ट ऑफ द इंटीजर्स. तो हम लिस्ट दे देते हैं, मान लो मैंने दे दिया 10, 20, 30, 40 एंड 50, राइट. ओके, एंटर एलिमेंट विच इज टू बी सर्च, राइट. तो मुझे क्या सर्च करना है, मान लो मुझे 30 को सर्च करना है, फाइन. तो आपके पास क्या आ गया, एलिमेंट प्रेजेंट एट इंडेक्स 2. कौन से इंडेक्स पे, आपका 2, राइट. जीरो इंडेक्स पे आपका 1 है, 1 इंडेक्स पे आपका 20 है, और 2 इंडेक्स पे आपका 30 है. ओके, तो ये आपने यहाँ पे लीनियर सर्च को इम्प्लीमेंट किया है पाइथन में. ओके ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.